बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं YouTube का मनफी चैनल HTV पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारत के मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा किया गया है। भारतीय मीडिया के ऊपर, तमाम चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी गई कि हमारे जहाज गए हैं, पाकिस्तान की सरजमीन में घुसे हैं, वहाँ पर कामयाबी के साथ इन दावसंदों के ठिकाने को निशाना बनाकर वापस आ गए हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि इस खबर में कितने हद तक सच्चाई मौजूद है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अचानक पूरे भारत में कहराम मचता है। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर चलना शुरू हो जाती है कि भारतीय जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, कामयाबी के साथ कार्रवाई की और उसके बाद चले गए। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई वजह सामने नहीं आई। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऊपर किसी किस्म की भी कोई खबर नहीं थी। अचानक भारत के तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर जब गर्दिश करने लगी तो फौरी तौर पर भारत की जानिब से वजह दी गई। अब भारत को इस बात का डर था कि कहीं इस खबर को देखते हुए पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला न कर दे। भारत की आर्मी की जानिब से मुकम्मल वजाहत दी गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई हमला हुआ और ना ही हमारे जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। और भारतीय आर्मी की जानिब से भारतीय मीडिया को अच्छी खासी झाड़ पिलाई गई। नाज़रीन ग्रामीण, भारत ने यह खुद जानबूझकर, यानी कि भारतीय आर्मी ने यह जानबूझकर खुद ऐसी अफवाह फैलाई, जानबूझकर यह फेक खबर चलाई। फिर जब मामले की संगीनी को जाना कि इसके बाद तो जंग की शुरुआत हो सकती है, पाकिस्तान तो हमला कर देगा, फिर इसी खबर को तरदीद करके फौरी तौर पर इस पर वजह दे दी गई। नाज़रीन ग्रामी, देखें कि ये कितने झूठ पर बने हुए प्रोपेगंडे पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ हकीकी मायनों में तो कुछ कर नहीं पाते, तो नुकसान पहुंचाने के लिए, वावेला मचाने के लिए इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं।